नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोलेज टाइम में। दोस्तों, विश्व का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इश्यू किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को नाम दिया गया है राइनो बॉन्ड। इससे 150 मिलियन यूएस डॉलर के फंड को रेज किया जाएगा। इस फंड का यूज किया जाएगा ब्लैक राइनो के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने ब्लैक राइनो को क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिस्ट में डाला है। मतलब ब्लैक राइनो गंभीर रूप से खतरे में है, वह विलुप्त होने के कगार पर है। और यह केवल अफ्रीका के कुछ देशों में ही पाया जाता है, खासकर साउथ अफ्रीका, नामीबिया और केन्या में। इन तीनों देशों में ब्लैक राइनो के 87% पॉपुलेशन पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं विश्व के पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। 150 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को क्या मिलेंगे रिटर्न्स? साउथ अफ्रीका में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही कम संख्याएं बचे हैं ब्लैक राइनोस? क्यों हो रहे हैं ये विलुप्त और कैसे इंक्रीज किया जाएगा इनके पॉपुलेशन को? तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं ब्लैक राइनोसेरोस के बारे में। तो देखिए, दुनिया भर में राइनोसेरोस यानी कि गेंडा के कुल 5 स्पीसीज पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है ब्लैक राइनोसेरोस। इसे हुक लिप्ड राइनोसेरोस भी कहते हैं। इसका बाइनोमियल नेम है डिसेरोस बाइकॉर्निस। एक एडल्ट ब्लैक राइनोसेरस की हाइट 140 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक होती है, लंबाई 3 मीटर से 3.5 मीटर तक और वेट 800 से 1400 किलो तक होती है। यह दो सिंगों वाला राइनोसोरस होता है जो बनी होती है केराटीन से। केराटीन एक स्ट्रक्चरल फाइबरस प्रोटीन है जो हमारे बाल और नाखून को बनाती है। कार्ल लिनियस एक स्वीडिश बोटैनिस्ट, जूलॉजिस्ट, टैक्सोनोमिस्ट और फिजिशियन थे। उन्होंने सन 1758 में इस स्पेसीज को नाम दिया राइनोसेरोस बाइकॉर्निस, जिसका मतलब होता है डबल हॉर्न राइनोसेरोस, यानी कि दो सिंगों वाला गैंडा। और लिनियस ने यह भी मेंशन किया है कि इस स्पेसीज का ओरिजिन इंडिया से हुआ है। हालांकि बाद में उन्होंने दो सिंग वाले गैंडे को साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला गैंडा बताया। तो दोस्तों, यदि हम बात करें ब्लैक राइनो के पॉपुलेशन की, तो 20th सेंचुरी में 1960 से 1995 के बीच ब्लैक राइनो के पॉपुलेशन में लगभग 98% की कमी आई, जिससे उनकी संख्या 2500 से भी कम बची। वो तो कई सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स अफ्रीकी देशों में किए गए वहां के गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिससे इनकी संख्या अब 6000 के आसपास पहुंच गई। फिर भी इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल के श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, ब्लैक राइनो के लिए थ्रेट क्या है, क्यों इनकी पॉपुलेशन में इतनी कमी आई और एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल की श्रेणी में है? तो देखिए, इनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, यानी कि ब्लैक राइनो की पोचिंग अर्थात अवैध शिकार या तस्करी करना सबसे बड़ा फैक्टर है इनके विलुप्त प्राय होने के लिए। ब्लैक राइनो के दो हॉर्न्स मतलब सिंग होते हैं, तो इन्हीं सिंगों के अवैध तस्करी के लिए ज्यादातर ब्लैक राइनो को मार दिया जाता है। इनकी डिमांड मोस्टली चाइना और वियतनाम में होता है, जिसका यूज वे लोग ट्रेडिशनल रेमेडीज यानी कि परंपरागत उपचार के लिए करते हैं, या फिर हो सकता है कि वे कुछ दवाइयों बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर यह प्रूवन नहीं है कि इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार की दवाई बनाने में किया जा सकता है, लेकिन चाइनीज हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। साउथ अफ्रीका में 2014 में 1215 राइनो की पोचिंग की गई। कंजर्वेटिव स्टेप लेने के बाद इनके पोचिंग में कमी आई। फिर भी 2019 में 594 राइनो की पोचिंग हुई। ब्लैक राइनो की पोचिंग, इलीगल ट्रेड और ब्लैक मार्केटिंग, वहां की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और वॉर जैसे समस्याएं भी हैं जो कंजर्वेटिव प्रोग्राम को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होने देती हैं। और दोस्तों, पोचिंग के अलावा इनके पॉपुलेशन में कमी के कारण लॉस ऑफ हैबिटेट और ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हैबिटेड एरिया ऑफ राइनोसेरोस। तो दोस्तों, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जो कि वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है, इसने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड WCB इशू किया इन सपोर्ट टू कंजर्व इंडेंजर्ड स्पेसीज।
इस बॉन्ड को राइनो बॉन्ड कहा गया और यह दुनिया का पहला ऐसा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड है। इस बॉन्ड से 150 मिलियन यूएस डॉलर रेस्ट किया जाएगा। इस 150 मिलियन यूएस डॉलर का यूज ब्लैक राइनो के प्रोटेक्शन और इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए किया जाएगा, वो भी साउथ अफ्रीका के दो प्रोटेक्टेड एरियाज में। पहला है एंजो एलिफेंट नेशनल पार्क यानी कि AENP और दूसरा है द ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व GFRNR। 5 साल के बाद अगर ब्लैक राइनो की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है इन दोनों प्रोटेक्टेड एरिया में तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 3.7 से लेकर 9.2% तक का रिटर्न दिया जाएगा। और यदि ब्लैक राइनो के पॉपुलेशन के में ग्रोथ नहीं होता है किसी भी कारणवश तो ये रिटर्न उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो देखिए यह एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। अगर यह प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसको और अधिक एक्सपैंड किया जा सकता है, जैसे कि अभी साउथ अफ्रीका के दो प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए प्लान है। इसको नामीबिया और केन्या में भी ब्लैक राइनो के प्रोटेक्शन के लिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य में जो अन्य क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी के वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं जैसे टाइगर हो गए, लायन हो गए, गोरिल्ला आदि, इनके लिए भी इस तरह के प्लान को मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इश्यू किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक्स।